लास्ट एपिसोड में गाइस बोल्ट ने एक बफन फेरोक्स को पकड़ लिया था, बट इकलौता एक बफन फेरोक्स इंडोमिनस रेक्स बॉस को मारने के लिए काफी है नहीं। तो आज बोल्ट को ऐसे ही 10 से 15 बफन फेरोक्स को पकड़ करके इंडोमिनस बॉस रेक्स को चुनौती देना पड़ेगा। क्या बोल्ट 15 बफन फेरोक्स को पकड़ पाएगा या फिर बोल्ट आज इस प्लान में फेल हो जाएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा इस वाले वीडियो में। देखते हैं, चलो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस हो सके तो लाइक जोर से कर देना एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। हमें जो भी करना पड़ेगा बहुत जल्द करना पड़ेगा। हाँ बोल्ट, हमें जो भी करना पड़ेगा जल्दी से करना पड़ेगा। एंड तू एक्साइटेड है ना? अरे मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, आज इंडोमिनस रेक्स को खत्म करके रख दूंगा यार, उसको यार हिला करके रख दूंगा यार, मुझे काफी गुस्सा आ रहा यार। इतना भी यार एक्साइटेड मत हो जा यार, वो इंडोमिनस बॉस है एंड पहले हमें बफन फेरोक्स को भी तो पकड़ना पड़ेगा यार। ओके, आर यू ऑन? अरे आई एम ऑन, मिशन इज ऑन। तो चल यार मेरा फेरोक्स भाई, चलते हैं यार पहले फेरोक्स को पकड़ने के लिए। बट यार कौन से लोकेशन से हमें कूदना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ देख लेता हूँ, सब कुछ एकदम ओके है। बट इसके ऊपर ये इम्प्रिंट डालना पड़ेगा जैसे ही गाइस। ऑलरेडी गाइस मैंने इसके ऊपर ये इम्प्रिंट डाल चुका हूँ क्या? हाँ ऑलरेडी, तूने कल ही यार इम्प्रिंट डाल दिया था यार। एंड आज मेरा कलर चेंज हो जाएगा बॉडी का। तेरा कलर चेंज हो जाएगा बॉडी का, ऐसा क्यों? अरे ये होता रहता है यार। होता रहता है? तू यार चेमेलियन है क्या? अरे चेमेलियन नहीं है, केमेलियन। अरे यार सिंचन तू आ गया ऐसे यार सीरियस टिटी में, तू कैसे यार जोक कर सकता? अरे अरे बफन फेरोक्स ने एक जंप करा एंड गाइस मैं यार आइलैंड से यार बीच समुंदर में ऑलमोस्ट गाइस मैं सरफेस तक आ गया था यार। अरे बफन फेरोक्स तू तो हल्की तरह ही जंप करता। अरे मैं इस दुनिया का हल्की तो हूँ यार सिंचन। हाँ गाइस ये इस दुनिया का वैसे हल्क भी बोल सकते हो, ठीक है? कमर की पेटी कस के बांध लू, लेकिन क्यों? क्योंकि पीछे एक वंडर बॉस है, ये फेरोक्स प्रजाति को बदनाम कर रहा है। फेरोक्स कभी भी बूढ़े होते नहीं। अच्छा फेरोक्स कभी बुरा होता ही नहीं, तो ये कौन सा फेरोक्स है यार? ये एक लूट बॉस है, वैसे ये बुरा है नहीं, पर हाँ ये बहुत ही फेरोशियस है। वैसे इसको यार मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था यार। अरे हाँ यार मेरे फोरआर्म के साथ कौन पंगा लेता है यार, फोरआर्म्स ने अपने लूट बॉक्स को उड़ा दिया। वैसे फोरआर्म्स तेरे को क्या क्या चीजें मिले? और बाप रे तेरे को तो बहुत सारे सैडल मिल गया ब्रो। अरे सैडल को यार फेंक दो। सैडल को क्यों फेंकेगा सिंचन, ये सैडल ही बाद में काम आएगा यार। अरे वो भी है यार, बिना चप्पल का यार फोरआर्म्स तो चलेगा कैसे यार? अरे ये सैंडल नहीं ब्रो, सैडल है सैडल। अरे सिंचन तो बात को समझ यार, ठीक है? और कहां पे लेके जा रहे? क्योंकि इस तरफ ही है गाइस एक बफन फेरोक्स। अच्छा इस तरफ एक बफन फेरोक्स है क्या? अरे तू पानी में फिर से कूद गया। अरे बोल्ट तू कर पाएगा ना वो रहा सामने ये बफन फेरोक्स? अरे बोल्ट तू कर पाएगा ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है। अरे मैं दूर से ही इसको यार बेहोश करके रख दूंगा। अरे तुम लोग बस देखो ठीक है। अरे तब से देख ही रहा हूँ, अभी तक गाइस इसने दो एरो चला दिए। लेकिन गाइस कुछ भी नहीं हो रहा यार, मैं इसको पास में ही लेकर के चलता हूँ। अरे मत ले यार मत ले। अरे लेकर के चलता हूँ ना ब्रो, अब मार इधर से। ये देख लग गया। कहाँ पे लगा यार बोल्ट? अब तो लगेगा ही डेफिनेटली गाइस, ये तो लगेगा ही। अरे यार लग चुका है, भाग जाइए। अरे मुझे भागना पड़ेगा यार। गाइस फाइनली ये बेहोश हो चुका है, मेरे पीछे ये मेंटी कोर पर चुका है गाइस, एंड मैंने इसको यार केबल दे दिया हूं, पूरी का जीरो टीम हो ही चुका है। अरे बोल अब बहुत बढ़िया पटेल होने वाला है यार। फोरआर्म्स कहां पे चला गया? फोरआर्म्स को मैंने बॉल पे रख दिया हूं। एंड इस मेंटी कोर को लग रहा है जब मेरे पास बफन फेरोक्स हो इतना शक्तिशाली वाला, तो क्या ये मेंटिकोर ये बिच्छू यार बफन फेरोक्स को कुछ कर पाएगा? ये बिच्छू नहीं है यार, मतलब ये बिच्छू है लेकिन पंख लगा हुआ बिच्छू है, ठीक है? एंड लायन फेस वाला बिच्छू है, इन वन वर्ड गाइस ये मेंटिकोर है, ठीक है? ओके तो गाइस ये बिच्छू बहुत मारा है इस बफन फेरोक्स को। इस बच्चे को लग रहा है कि ये मेरे को मारेगा, बट मैं तो एक बफन फेरोक्स, बिच्छू मुझे मार करके देख। अरे ये तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बात करता है ब्रो। एंड इसने बिच्छू को यार सही में बाय बाय छू छू कर दिया यार। अरे यार छू छू 40 कर दिया। अरे तू तो यार एकदम 40 छोर है ब्रो, अलीबाबा का 40 छोर तू ही है सिंचन। एनीवेज गाइस हमने दूसरे फेरोक्स को भी पकड़ लिया हूं, आप गाइस और ऐसे एटलीस्ट 60 को पकड़ना है। Approximately 10 hours later. Guys, और एक बफन फेरोक्स है, इसको तो डेफिनेटली बेहोश करना ही पड़ेगा। अरे मेरे मुंह पे ही इसने यार बम मार दिया, बोल मैं इसको खत्म कर दूंगा। अरे तू कुछ ज्यादा ही फेरोसियस है भाई, मतलब तू बहुत ज्यादा एग्रेसिव है भाई, मुझे इसको टेम करना है, तेरा भाई ही तो है यार। जल्दी से इसको मार यार, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। अरे मारता हूं, लग गया यार। ओके फाइनली अब मुझे भागना पड़ेगा ना इससे, मुझे भागना पसंद नहीं है यार, मुझे मारना पसंद है। अरे यार बिना बुद्धि वाले दिमाग। अरे यार सिंचन
यार डायलॉग बाजी बोलता है यार। एनीवेज गाइस जैसे कि देख पर अरे गाइस इसको टॉर पर तो यार स्टक हो चुका है। अरे इसका मतलब और एक तीर चलाना पड़ेगा यार। चला ली यार बोल्ट। ओ गाइस नहीं नहीं ये तो बेहोश हो चुका है। आप गाइस मुझे इसको यार स्पेशल केबल देना है। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस धीरे-धीरे करके इसका टॉर पर इंक्रीज होते ही जा रहा है। अरे टॉर पर नहीं टेमिंग एंड ये तो टेम हो ही चुका है यार। गाइस अब मेरे पास और एक बफन फेरॉक्स आ चुका है एंड इसका 470 लेवल है। अगर गाइस मैं इसको इम्प्रिंट दे दूंगा ब्रो तब ना बहुत बढ़िया होगा। जैसे देख पा रहे हो 2 मिलियन हेल्थ हो चुका है यार। 2 मिलियन ये तो काफी शक्तिशाली बन चुका है यार बोल। अब मजा आने वाला है ब्रो। 2 hours later. फाइनली गाइस मेरे पास अभी कुल मिला करके हो चुके हैं टोटल 7 बफन फेरॉक्स। अब गाइस इसका आप लोग हेल्प पे ध्यान दो 2.8 मिलियन। अगर मैं इसको भी इम्प्रिंट दे दूंगा तो आप लोग देखेगा इसका भी हेल्थ हो चुका है कितना 2.87 ऑलमोस्ट गाइस 3 मिलियन। एंड गाइस ऐसे करके मेरे पास है कितने 7 बफन फेरॉक्स। अरे बोल यार तेरा आर्मी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। अब तो ये 2 ही जीतेगा। नहीं मुझे और एक बफन फेरॉक्स चाहिए होगा। एक्चुअली मुझे 10 से 15 बफन फेरॉक्स चाहिए था बट नहीं गाइस इन्हीं बफन फेरॉक्स से मैं यार इंडोमिनस रेक्स को हरा पाऊंगा। अरे यार तू कितना श्योर है? आई एम वेरी मच श्योर क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड इन लोग का डैमेज भी बहुत ज्यादा हाई है। तो चलो गाइस घर के लिए निकलते हैं। 2000 years later. गाइज मैं घर आ चुका हूँ। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास अभी कुल मिला करके 8 बफन फेरॉक्स है। तो सभी बफन फेरॉक्स को निकाल लेता हूँ एंड लेवल अप करके इन लोग को हेल्थ पोशन भी दे देना पड़ेगा। तो चलो गाइस इसको यार इम्प्रिंट दे देता हूँ एंड देन गाइस हेल्थ पोशन भी देना पड़ेगा एंड सभी को हेल्थ पोशन देना पड़ेगा क्योंकि 90 सेकेंड तक इन लोग का हेल्थ फुल होता रहेगा। गाइज जैसे कि देख पा लो मेरा टीम हो चुका है एकदम रेडी एंड गाइज सारे के सारे बफन फेरॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इनमें से एक बफन फेरॉक्स का हेल्थ तो यार 5 point something million पे है। एंड ये देख रहे हो गाइस एंड ये लोग अभी फाड़ के रखने वाले हैं। तो यार आई एम वेरी मच एक्साइटेड गाइस वेरी मच एक्साइटेड। अगर गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अरे हाँ यार कर ही दो यार गाइस। एंड मैं यार बैठने वाला हूँ अपने यार फोरम्स के ऊपर। अपना फोरम्स कहाँ पे चला है? थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ एंड अपना बॉडी दिखाता हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ठीक है। अरे फोरम बोला था कि उसका यार टैटू चेंज होगा। टैटू नहीं उसका कलर एंड ये है अपना फोरम भाई। इसका यार कलर कैसे चेंज हो गया आई डोंट नो यार। एनीवेज गाइस चलो I am ready. Are you ready? We are ready. I am ready. Yuck. सभी के सभी यहाँ पे रेडी हो चुके बफन फेरॉक्स एंड पहले हम लोग अटैक करने वाले हैं। यहाँ पे एक प्राइमल कार्डो है उसको अटैक करता हूँ एंड देन गाइस 1 by 1 करके सभी को मारेंगे एंड देन गाइस इस आइलैंड पे पूरा कब्जा करने वाला हूँ। ठीक है। ओके बफन आर्मी हिम्मते मर्दा मदते। अरे मन मेरा यार मन मेरा। अरे तू चुप हो जा यार सिंचान यार। सीरियस सिचुएशन में तू मजाक कैसे कर सकता है? गाइस चलो इसको मारते हमला बोल्ट। अरे यार मारो। अरे ये खत्म हो चुका है क्या? अरे बोलिए खत्म हो चुका है यार। अरे सीरियसली गाइस इसको खत्म करते बफन आर्मी तुम लोग सही में बहुत ओपी हो। एक को तो उड़ा दिया अब गाइस बेचारा ये भी मर गया। ये कैसे मर गया यार? शायद से बम के कारण मर चुका है। एंड गाइस सामने एक इंडोमिनस रेक्स है उसको भी शायद से डर लगने लग गया है। अरे भाई ये फिर भी अटैक करने के लिए आ रहा है पर मर गया यार दूर से ही मर गया। अब फाइनली हम लोग अटैक करने जा रहे हैं। अरे यहाँ पे एक ड्रैगन है इसको भी मारेंगे यार। सभी बदमाश यार डायनासोर को मैं उड़ाने वाला हूँ अपने बफन आर्मी को लेकर के। एंड चलो गाइस इंडोमिनस रेक्स बॉस को मारना पड़ेगा। अगर गाइस इसने ड्रैगन को निकाला तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ड्रैगन को निकालने से पहले ही मुझे मारना पड़ेगा। चलो बफन आर्मी अटैक करते हैं। इसको मारते हैं गाइस साइड से ये मर जाएगा यार। अरे बोल मरेगा यार। अटैक आर्मी। अरे अरे अटैक कर दे। अरे अरे गाइस ये मर गया। सेलेस्टियल इंडोमिनस रेक्स हैज बीन डिफीटेड। अरे सेलेस्टियल नहीं यार बोल सेलेस्टियल। अरे गाइस ये यार प्राइमल डायनासोर क्यों अटैक करा यार? मैंने इतने दिग्गज वाले यार इंडोमिनस रेक्स को मारा या अपने बफन आर्मी को ले करके यार ये प्राइमल फियर वाला डायनासोर ऐसे ही आ गया था। प्राइमल वाला डायनासोर अभी यहाँ पर भी एक है। तो गाइस फाइनली यार इस आइलैंड पे हम लोग अभी कब्जा करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी बदमाश डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोर को उड़ा दिए। अब गाइस मजा आने वाला है यार। बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया होगा यार। बोल का प्लान तो आज सक्सेसफुल हो चुका है गाइस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 8 बफन फेरॉक्स के आर्मी को लेकर के उसने इंडोमिनस रेक्स एम्पायर को फाइनली हराई दिया एंड साथ ही साथ उसने आइलैंड पे कब्जा कर दिया। लेकिन सिर्फ 3 जगहों में ही उसने कब्जा करा एंड उसी बीच बोल्ट ने एक और डायनासोर को भी पकड़ लिया था। एंड वो डायनासोर यार बोल्ट तो इस एपिसोड में दिखाएगा नहीं बट नेक्स्ट एपिसोड में इस सोल बॉल में क्या होगा यार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एंड उसके पास यार एमेबल वर्जन इंडोमिनस रेक्स का एक सोल भी आ चुका है। इसका मतलब इंडोमिनस रेक्स एम्पायर को भी बोल्ट टेम करने वाला है। तो गाइस जाते जाते सब्सक्राइब जरूर से कर देना बोल्ट के लैंग्वेज में। बाय बाय टेक केयर सायो ना हरा।